तो ऐसे करो। वाओ दांत पूरा लगाया आपको, अच्छा नहीं लगाया, ब्लीडिंग हो रहा है, वो दांत अच्छा नहीं है। ठीक है, सब कुछ रेडी करेंगे, दांत भी रेडी करना है अभी आपको, कि सिर्फ आपका जो स्माइल है वो जो लिप्स जॉइन नहीं हो रहा वो भी रेडी करना है। करेक्ट करेगा, हाँ वो भी करेक्ट करना है, सब कुछ पूरा फेस रेडी करना है। ठीक है, कर देंगे वो सब फिर वो भी। मुंह खोलो, they've done some ortho extraction also, removed the teeth also. She has asymmetry, there's some swelling there, there's some swelling here, chin is inside, eight incompetent lips. Okay. आपका वीडियो मैंने 24 आवर्स देखा है। 24 आवर्स देखते हैं? मैंने जब रात में जब सुआ नींद नहीं आता, नींद नहीं आता तो वीडियो देखते, वीडियो देखने के बाद अच्छा नींद आता है। अच्छा आपको हाँ। दोनों की बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। मैंने मेरा फैमिली तो नहीं लिया था। क्यों नहीं फैमिली ऐसा बना? नहीं जाने की मतलब है, हम तो बोला मेरा हस्बैंड को मेरे यहीं पर इन्फेक्शन है। हाँ। तो मुझे साथ बात नहीं करा, तो मेरा भाई बहुत लाभ करता है मुझे। हाँ। तो बोला हाँ थोड़ा क्या हुआ, मैं बोला जी हमें तो दर्द है, ब्लीडिंग होता है, इन्फेक्शन है, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ। तो पासपोर्ट करा, वीसा लगाया, बहुत तंग से आया। Oh, that's an incredible story. That's so sweet. She just told me that she had a lot of issues to come down from neighboring Bangladesh onto India because of all the pandemic and everything. So she's told her folks that, you know, she has some issues with the teeth, some bleeding and everything, and come over because they wouldn't appreciate her desire to get the facial asymmetry and facial proportions sorted out. ठीक है, आप अभी पहुंच गए तो हम आपका ख्याल करेंगे, पूरा रेडी कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका मेन प्रॉब्लम है एक है लिप इनकॉम्पिटेंट है, जब आप हंसती हैं तो ये हाँ वो भी सही करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सूजन है, ये अंदर है, ये थोड़ा ज़्यादा बाहर है, ये थोड़ा ज़्यादा कम है, पूरा रेडी करेंगे। ठीक है, आपको हमारे साथ एक हफ्ता से 10 दिन तक रहना पड़ेगा। आपका रिटर्न कब किया है आपने टिकट? बाइक को मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं। हाँ वो तो सब करना, मुझे बाहर नहीं आता देता, तो वो आया सब कुछ वो करा। हाँ वीसा करने के टाइम पर मैंने हस्बैंड बोला नहीं जाना नहीं जाना। हाँ वो बाहर में थक रहता है कुवैत में। अच्छा, मुझे साथ अच्छी रिलेशन नहीं है। हाँ तो हम बोला मेरा अभी आपको बहुत सुंदर करेंगे, फिर अभी आपको और बहुत सुंदर बनाएंगे, फिर वो दौड़ के आएंगे कुवैत से जल्दी। ठीक है नहीं मजाक नहीं सच्ची में। ठीक है, एयरपोर्ट में छवि नहीं मिले तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कुछ नहीं, वो लेटर मिल जाएगा आपको जाते समय, कुछ नहीं होगा एयरपोर्ट में। अच्छा अच्छा, वही चिंता है मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत चेंज होगा या तो एयरपोर्ट में जाने के माने? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एयरपोर्ट में वो ये देख वो ये देखते हैं और ये देखते और आंख ये सब नहीं देखते, ये सब नहीं देखते, तो बाकी सब हम चेंज आने के लिए फर्स्ट टाइम बांग्लादेश से कलकत्ता आया। हाँ। कलकत्ता एयरपोर्ट से बेंगलोर आया, बेंगलोर से केरला ट्रिवेंड्रम, ओके वहाँ से ही। हाँ होटल नहीं मिला, नहीं मिला भाषा। हाँ। लैंग्वेज से नहीं मिला, एक बोला तो अलग ना, हिंदी नहीं आता। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, तो मैंने पढ़े बोला ठीक है, ये डॉक्टर को बंगाली मालूम है तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैं तो अभी भाई हिंदी प्रैक्टिस करती हूं, देखे देखे जो तो मूवी आसे देख से ही से अदरवाइज ओनली बंगाली। हां ना बोलले तो समस्या, ना बोलले तो शी इज स्पीकिंग हाफ बंगाली इन बिटवीन हिंदी। ठीक है नहीं नहीं मैं समझता हूं थोड़ा बंगाली हिंदी होती है जानो। ठीक है चलो अभी पूरा काम करेंगे, आपका स्कैन देखा है हमने और वहाँ पे आपका इम्प्रेशन होगा, मैनेजर से बात करो, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, एक एक करके रेडी करेंगे और कल तो एक
बात बताओ, कितना कॉस्ट लगेगा? वो मैनेजर से बात करेंगे आप, जब मैं लिखेगा सब कुछ। हमारे लिए कोई डिस्काउंट है? पक्का दूर से आया। पक्का पक्का हस्बैंड जी। আপু আপনি বাংলা বলতে পারেন তাই না? তো আমার ভাইয়ের সাথে একটু ডিসকাস করার সময় আর ওকে শুধু বলবেন যে উপরে তো বহুত ইনফেকশন, তো আর এই পাশেও ইনফেকশন আছে, হ্যাঁ তো এই জন্য করাতে হবে, না হলে তো বুঝতেই পারছেন। আপনি সমাজ গেয়া থোড়া থোড়া সমস্যা আপনার ভিডিও দেখতে হয় সামনে দেখো মা খোয়া মে দেখো হসপিটাল কা পি ওকে। तो फिर कराना नहीं होता तो जल्दी आते आप? हाँ कराना के लिए तो लेट हो गया, वीजा नहीं मिला। मेडिकल वीजा के लिए मैंने भैलोर आसा ना आपको सीएमसी, भैलोर सीएमसी हॉस्पिटल में हमारा या पेपर्स रेडी करा है अपॉइंटमेंट आपको पास दिया तो अच्छी भाषा या लैंग्वेज नहीं है तो क्या टाइप करेगा क्या करेगा तो डायरेक्ट आ चलाएगा, जो होगा तो होगा वहीं पर। चलिए उंगले कूटी दुबई चल। कैसी लगेगा मेरा फेस? बहुत सुंदर अभी ऑलरेडी सुंदर हो। नहीं नोज नहीं करेंगे अभी, ना नोज तो अच्छी है। हाँ ऐसे बाप के जैसी है। हाँ नोज ऐसे ही छोड़ेंगे, बाकी आपका लिप्स ये चिन ये थोड़ा अंदर है बाहर है सब रेडी करेंगे। मैं आपको पूरा स्कैन करके मेशर करके वो जो है आप मेशरमेंट भी होगा आपको डिटेल्स बताएंगे। कल दोपहर को सर्जरी होगा या परसों? ठीक है आज नहीं होगा, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ठीक है ट्राई करेंगे, मैक्सिमम कल ट्राई करेंगे। मेरा भाई का एग्जाम है तो ठीक है, इसलिए वो ऑनर्स थर्ड ईयर में पढ़ता है। ठीक है कल मैक्सिमम ट्राई करेंगे। कोरोना के लिए तो एग्जाम नहीं हुआ अभी हो रहा है। आपने क्या पढ़ा है? मैं इंटर सेकंड ईयर। ओके बांग्ला बोली अब। ठीक है आप इंग्लिश को डिटेल लेटर से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स आपके लगे? हां शी हैज मोर पेशेंट्स हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश। They've come. All right. Bye-bye. Bye-bye. Hi, dosto. Namaskar, friends. Hello. So, we're going to start surgery for this pretty girl. She's traveled all the way from Bangladesh. She's had a lot of, I don't know how to tell you, very, very amazing experience getting here. And she's taken a lot of effort to come here from what she told me in the consultation. We're planning to do both jaw surgery for her. She's had some issues with her teeth before and she smiles. Hasiye achhi tarah se ha, so you can see that she's got a lot of gummy smile. I'm going to be working on that. There's a little bit of an asymmetry here, there's swelling here, there's vertical height a little less, so that's the bi jaw we're planning for her. It's going to be taking us about 3 hours, I think, a little bit more or less. Thank you. Patient also has issues with slight facial asymmetry. I'm not sure if you can appreciate here. So we're going to correct that by means of genioplasty and jaw sculpting. Genioplasty to augment the height and the projection of the chin. Lipo 1 impaction. We're also going to be doing some work on the angle. And this is before we are starting. Superb. And this is all swelling, huh? You nikal denge abhi stitches. This we can take off. We can tell Sara to do that.
So she has some swelling here, which is firm, and that's going to come down over the next few days. This is just day 7 after we've done jaw surgery, both upper and lower jaw. We have some side view here. So you can see the very incredible improvement. Okay, she had something. Aapka haat dikhaiye, madam, please. Nahi nahi, is tarah jo khoon hua tha. So she had some hematoma on the hand, and also you can see the slight amount of hematoma here. This is all going to go away. It's just 2 hafta tak rahega. Uske baad aapka normal color aa jayega. Darna nahi. ये सूजन भी निकल जाएगा, ये जो स्टिचेस है इसके वजह से हुआ है, बाकी सब कुछ निकल जाएगा, हो जाएगा वो टाइम। कोई नंबर नहीं दे देंगे, डिस्चार्ज मरीज को नंबर।